अवैध निर्माणों के खिलाफ नगर निगम की कार्यवाही लगातार जारी है। बुधवार को नगर निगम के अमले ने कैलोद करताल में बिना अनुमति बनाई जा रही दुकानों को ध्वस्त किया। इंदौर में शासकीय जमीनों पर किए अवैध कब्जे से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार जारी है। एंटी माफिया अभियान में नगर निगम के साथ पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी कदम ताल करते हुए नजर आते हैं। बुधवार को नगर निगम की टीम ने कैलोद करताल में कार्यवाही करते हुए 22 दुकानों को ध्वस्त किया है। निगम से मिली जानकारी के मुताबिक 8000 स्क्वायर फीट पर 22 अवैध दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। कार्यवाही को लेकर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर एंटी माफिया अभियान चलाया जा रहा है। बेसिकली अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और इसमें दो ऐसे निर्माणकर्ता थे जिन्होंने बिना बिल्डिंग परमिशन के रोड के साइड में दुकानों का निर्माण कर लिया था और लगभग एक जगह 5000 स्क्वायर फुट, एक जगह 3000 स्क्वायर फुट पे लगभग 15 और एक जगह 20 से अधिक दुकानें बनाई गई थी। क्योंकि रोड के किनारे ये ज़रूरी है कि बिल्डिंग परमिशंस ली जाएं, जो बिल्डिंग परमिशंस के नॉर्म्स हैं उनका हम लोग पालन करें, अन्यथा की दशा में आगे चलकर रोड्स और बाकी सभी चीज़ों में भी दिक्कतें आती हैं, पार्किंग की दिक्कत रहती है। तो इसी को लेकर ये अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो ऐसे निर्माण हैं जो अवैध निर्माण हैं या फिर कुछ लोगों ने परमिशन ली है लेकिन उनके वायलेशंस किए हुए हैं या अन्य इस प्रकार की श्रेणी में आने वाले जो निर्माण हैं वो टीम ने चिन्हित किए हैं और आगे भी इस तरीके की कार्रवाइयाँ होती रहेंगी।